हाँ तो दोस्तों सामने आप देख सकते हैं हमारे पास खड़ी है फोर्स मोटर्स की न्यूट्रेक्स क्रूजर एम्बुलेंस 2022 का लेटेस्ट मॉडल है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसी गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और तब तक हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंदर, हम रिव्यू करते हैं इस गाड़ी का। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अगर आपको फोर्स मोटर्स की कोई भी गाड़ी लेनी हो तो आप हमें इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर हमें इस एड्रेस पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। बीके फोर्स अजमेर नियर नारली जैन टेम्पल अजमेर बाईपास बड़ला चौराया अजमेर। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं दोस्तों 9799290111233। इसे ही करके 45678 तक आप हमें संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। इस न्यू एम्बुलेंस की दे सकते हैं आप दोस्तों कि इसकी की कुछ इस प्रकार की आती हैं दोस्तों। फ्रंट से अगर बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं इसकी हेडलाइट यूनिट कुछ इस प्रकार की आती है, जो BS6 के अंदर कंपनी ने काफ़ी चेंज कर दिया दोस्तों। आप देख सकते हैं ऊपर इंडिकेटर है, इंडिकेटर इसके अंदर नॉर्मल ही है, कोई LED नहीं है। नीचे आप देख सकते हैं हेलोजन बल्ब मिल जाते हैं हाई और लो बीम के साथ। नीचे पार्किंग दे रखी है दोस्तों कुछ इस प्रकार। सामने आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी ग्रिल दी है कंपनी ने BS6 मॉडल के अंदर। नई वाली फोर्स मोटर्स का बेजिंग आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, और फोर्स मोटर्स काफ़ी बड़ा लोगो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, और काफ़ी अच्छी प्लास्टिक की नई यूनिट आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि फॉग लैंप के लिए जगह दे रखी है, आप फॉग लैंप लगवा सकते हैं, कंपनी की तरफ से फिटेड नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट की जगह मिल जाती है। अगर इसके टायर की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें 215/75 आर 15 इंची के इसके अंदर टायर मिल जाते हैं दोस्तों। फ्रंट के अंदर इसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, और पीछे आप देख सकते हैं ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं दोस्तों पीछे की तरफ। इसमें इसके अंदर कंपनी ने जो चेंज किया है दोस्तों वो इसमें ये है कि इसका नीचे से सस्पेंशन आप देख सकते हैं, जो इसका स्टीयरिंग दिया गया है दोस्तों वो रैक पिन से स्टीयरिंग दे दिया गया है हाइड्रोलिक। पहले इसके अंदर सेंटर पिन बुश आया करते थे, लेकिन कंपनी ने वो सब सिस्टम इसमें हटा दिया है, और अब डायरेक्ट कार के जैसी रैक पिन हाइड्रोलिक स्टीयरिंग इसमें फिट कर दिए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की है ये। इसका जो नीचे से आप देख सकते हैं रियर लुक कुछ इस प्रकार का आता है नीचे से। इसका सस्पेंशन इसका आगे से और पीछे से काफ़ी हैवी दे दिया गया है दोस्तों पहले के मुकाबले। प्रोफाइल्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें इंडिकेटर दिया गया है, नीचे FM 2.6 ER की बेजिंग दी गई है दोस्तों। ORVM कुछ इस प्रकार का आता है इसका। प्रोफाइल्स आप देख सकते हैं दोस्तों कि काफ़ी कुछ चेंज कर दिया गया साइड प्रोफाइल्स में। आप देख सकते हैं पीछे जो खिड़की दिखाई दे रही है पीछे वाली, आप देख सकते हैं कि ये एक ही दे दी गई, पहले दो टुकड़ों में आया करती थी ये। और आगे से देख सकते हैं इसका फ्रंट का जो मिरर है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पहले बीडिंग सिस्टम आया करता था इसके अंदर, लेकिन अब डायरेक्ट सिलेंट चिपकाने वाला सिस्टम कर दिया गया है बिल्कुल कारों की तरह दोस्तों इसके अंदर। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस BS6 क्रूजर एम्बुलेंस का इंजन कुछ इस प्रकार से आता है दोस्तों। अब मैं इसके अंदर से दिखा देता हूँ छोटे इंजन को, आपको देख सकते हैं इस प्रकार का इंजन आता है इसका। वहीं अगर इसके इंजन की बात करें दोस्तों तो इसमें 2600 CC का फोर सिलेंडर टर्बो चार्जर डीजल इंजन मिलता है, जो कि 90 BHP की पावर और 250 NM का टॉर्क जनरेट करता है फ्रेंड्स। वहीं ये मैनुअल सिंक्रोमैक्स गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है दोस्तों, इसमें कोई ऑटोमेटिक नहीं आता है फोर्स मोटर्स की सभी गाड़ियों के अंदर, बल्कि नॉर्मल ही मैनुअल ही गियरबॉक्स मिल जाते हैं दोस्तों इसके अंदर। वहीं अगर इसके डायमेंशन की बात करें दोस्तों तो इसकी ऊँचाई 2027 mm, और वहीं इसकी चौड़ाई 1818 mm, लंबाई इसकी 5120 mm है। अगर वहीं से ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो दोस्तों 160 mm का इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाते हैं दोस्तों। व्हील बेस की बात करें दोस्तों तो 3050 का इसमें व्हील बेस मिल जाते हैं दोस्तों। अगर इसकी गाड़ी की पूरी हाइट की बात करें, इसके वेट की बात करें तो 3140 किलो का इसके अंदर पूरी गाड़ी के अंदर वेट दिया गया है दोस्तों। वहीं अगर इसकी प्राइस की बात करें फ्रेंड्स तो हमारे यहाँ बीके फोर्स अजमेर में इसकी एक शोरूम प्राइस 14,18,000 से 20,000 तक के तकरीबन है दोस्तों। हम आप देख सकते हैं कि BS6 की इधर बेजिंग मिल जाती है, टोल फ्री नंबर यहाँ पे दिया गया है, मड फ्लैप और फुटरेस्ट भी चेंज है दोस्तों देख सकते हैं। अगर इसके पीछे के प्रोफाइल्स की या पीछे के लुक की तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का लुक आता है दोस्तों इसमें। इसके पीछे वाले जो मिरर आप देख सकते हैं पूरा चेंज है, वो इस प्रकार के दिए गए हैं। BS6 की यहाँ पे बेजिंग दी गई है, यार एम्बुलेंस यहाँ पे तब बड़ा अक्षरों में लिखा गया है दोस्तों। ट्रक्स की यहाँ बेजिंग मिल जाती है, और पीछे के टेल लैंप की अगर हम बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी इसमें LED नहीं आती, सब में हेलोजन ही बल्ब दिया गया है, और इस प्रकार की इसकी टेल लैंप दिखाई देती हैं दोस्तों।
पीछे आप देख सकते हैं कि इसमें स्पेयर व्हील यहाँ पे दिया गया है पीछे, और डोर लॉक आप देख सकते हैं कि पहले वाला, इसमें कोई चेंज नहीं है। फोर्स मोटर की बेजिंग इधर मिल जाती है दोस्तों, आप देख सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों कि 1, 2, 3 और 4 इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं दोस्तों कंपनी तरफ से। यहाँ रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं दोस्तों, इधर देख सकते हैं नीचे नंबर प्लेट की जगह मिल जाती है, और इसी के ऊपर जस्ट इसके अंदर पीछे नंबर प्लेट्स की लाइट्स दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे चढ़ने के लिए फुट स्टेप दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे का जो गाड़ी का टोइंग करने का है पीछे से गाड़ी को, यहाँ पे इसका दिया गया टोइंग हो गया, देख सकते हैं। यहाँ पे पीछे से आप देख सकते हैं दोस्तों इसका रियर लुक कुछ इस प्रकार का आता है, और हम दिखाते हैं अब नीचे से आपको इसको। आप देख सकते हैं कि सामने यहाँ पे इसका डीजल टैंक दिया गया है दोस्तों, और डीजल टैंक के जस्ट साइड के अंदर से आप देख सकते हैं दोस्तों कि कमाने दी गई है इसके अंदर, पीछे कमाने दी गई है दोस्तों, पीछे एक साइड इधर और एक साइड इधर। और नीचे आप देख सकते हैं कि डिफरेंशियल कुछ इस प्रकार का आता है इसका, और साइड के अंदर इसके अंदर ही शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं दोस्तों दोनों तरफ, आप देख सकते हैं। पीछे सेंसर लगाया है नॉक्स का इसके अंदर दोस्तों, देख सकते हैं आप। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर डीजल टैंक का ढक्कन दिया गया है, यहाँ से आप इसमें डीजल डाल सकते हैं। इसमें 65 लीटर की कैपेसिटी का डीजल टैंक आता है दोस्तों, यहाँ से आप इसमें डीजल भरवा सकते हैं। चलिए दोस्तों इसका अंदर का व्यू दिखाते हैं हम आपको, यहाँ से हम ओपन करेंगे और आप देख सकते हैं कि इसकी साइड डोर ट्रिम इस तरह की आती है दोस्तों, जो बी एम्बुलेंस के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों कि कुछ इस प्रकार की आती है। हैंडल्स लॉक आपको सब वक्त वही मिल जाएंगे, लेकिन ट्रिम्स में आपको फ़र्क मिलेगा, उसके अंदर से ब्राउन और ब्लैक मिक्स आती है, इसके अंदर आप देख सकते हो पूरी वाइट कलर की दी गई है एम्बुलेंस के हिसाब से दोस्तों। यहाँ से हम करेंगे इसकी चाबी ऑन दोस्तों, और ये सामने आप देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये हमने करी की ऑन, और आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी लाइटें आ चुकी हैं दोस्तों। साइड में आप देख सकते हैं इसके अंदर RPM का काटा दिया गया है, और साइड में आप देख सकते हैं कि इसका स्पीडोमीटर केबल, छोटी सी इसमें ओडोमीटर दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं, जिसके अंदर इधर फ्यूल का बताया गया है और इधर टेम्परेचर का बताया गया है दोस्तों। सामने आप देख सकते हैं, साइड में आप देखते 568 किलोमीटर चला हुआ है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की इसकी सीट्स आती हैं दोस्तों, न्यू क्रूजर ट्रैक्स एम्बुलेंस BS6 में। यहाँ से हिसाब एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर कुछ इस प्रकार से आते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। यहाँ पे इसका बोनट ओपन केवल यहाँ से हुक दिया गया है इसका, यहाँ से ओपन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप हैंडल मिल जाता है, यहाँ पर आपको लाइट्स को एडजस्ट करने का कंट्रोल्स यहाँ दिया गया है दोस्तों। इसका डैशबोर्ड देख सकते हैं दोस्तों कि कुछ इस प्रकार का इसका डैशबोर्ड आता है। स्टेयरिंग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर फोर्स का लोगो स्टेयरिंग पे ही दिख जाएगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइपर्स के कंट्रोल्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने हेडलाइट यूनिट्स के कंट्रोल्स यहाँ दिए गए हैं दोस्तों। और ये जो हमारे पास मॉडल खड़ा है दोस्तों AC, आप देख सकते हैं AC वेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं इसके, यहाँ आप देख सकते हैं AC वेंट्स यहाँ दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4 AC वेंट्स यहाँ दिए गए हैं दोस्तों। और AC के कंट्रोल्स आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों अपने AC को यहाँ से सेट कर सकते हो आप। ये आपका ब्लोअर आप यहाँ से सेट कर सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये हॉट एंड कोल्ड दोनों सिस्टम इसमें दिए गए हैं दोस्तों। ये सिस्टम्स जो दिया गया है AC वेंट्स का इसके अंदर, ये पहले BS4 में नहीं आता था, ये सिर्फ 6 में ही किया गया है, हॉट एंड कोल्ड का 6 में ही किया गया, पहले नहीं था दोस्तों। ये कमरे ने इसमें नई चीज़ लगाई गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं AC कंट्रोल्स यहाँ दिए गए हैं मिनिमम और मैक्सिमम्स के, 12 वोल्टस का यहाँ पे चार्ज मिल जाता है दोस्तों, और यहाँ पे आप कुछ लगा सकते हैं, इसलिए इसके एक्स्ट्रा जगह यहाँ पे दी गई है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे के अंदर जो फैन दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एक ये रहा और एक पीछे जो फैन दिख रहा है वो इसके कंट्रोल्स यहाँ से दिए गए हैं दोस्तों, 1 और 2 नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि अंदर के जो लाइट्स लगा रखे उसके कंट्रोल्स यहाँ दिए गए हैं, और यहाँ पे 4 इंडिकेटर्स का दिया गया है कंट्रोल्स, यहाँ पे नीचे स्पेस दिया गया है कुछ, और सामने वहाँ पर आप म्यूजिक सिस्टम लगवा सकते हैं, इसलिए स्पेस दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी जगह दी गई है, कुछ रख सकते हैं अपनी चीज़ें, और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि फोर्स मोटर की कितनी शानदार तरीके से गुदी हुई बेजिंग मिल जाएगी दोस्तों आपकी इसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर। और नीचे ग्लोव बॉक्स देख सकते हैं आप, इसमें कुछ इस प्रकार के इसमें ग्लोव बॉक्स आते हैं दोस्तों, और यहाँ पर भी हल्की सी जगह दी गई है कुछ भी छोटी मोटी चीज़ रखने के लिए। यहाँ पर एक हैंडल मिल जाता है, और इधर एक हैंडल मिल जाता है दोस्तों, और इस तरह वाली साइड ट्रिम्स कुछ इस प्रकार की हैं दोस्तों। इन्वाइज़र एक यहाँ पे दिया गया है और एक यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, और अंदर का जो मिरर आता है दोस्तों ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार का है, और ये देख सकते हो दोस्तों छत इसकी ऐसी इसकी छत आती है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर अंदर की तरफ जो लाइट दी गई है दोस्तों नाइट के लिए यहाँ पर दी गई है, नॉर्मली आती है दोस्तों, कैसी LED नहीं आता इस बल्ब इसके अंदर, सिंपल ही है
यहाँ पे आप देख सकते हैं फैन दिया गया है कंपनी की तरफ से, एक और एक पीछे की तरफ बताया था मैंने दोस्तों आपको। सीट बेल्ट यहाँ पे हैं, इसका सीट बेल्ट कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं इधर है दोस्तों। इस क्रूजर ट्रैक्स एम्बुलेंस BS6 के अंदर AC और नॉन AC दोनों मॉडल्स उपलब्ध है दोस्तों, आप AC में भी इसे ले सकते हैं और नॉन AC में भी आप इसे ले सकते हैं दोस्तों। गियर लीवर आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ इस प्रकार का लीवर आता है इसके अंदर, ये मैनुअल ही है दोस्तों। और यहाँ पे हैंडब्रेक लीवर दिया गया है जो पहले के मुकाबले काफ़ी चेंज है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें पूरा चेंज कर दिया गया है पहले के मुकाबले हैंडब्रेक लीवर को पूरा, पहले देखने पर और अब देखने में काफ़ी चेंज है दोस्तों BS6 के अंदर। अब इसमें बैठने में लगता है कि कुछ कार जैसी फीलिंग्स आ रही हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि सायरन और माइक कंट्रोल मशीन यहाँ पर लगाई गई है दोस्तों, यहाँ पर इसे सायरन्स लाइट्स के इन सब के कंट्रोल्स इसमें दिए गए हैं दोस्तों। ये मशीन लगाई गई है ऊपर आप देख सकते हैं इसके जस्ट यहाँ पे माइक लगाया गया है दोस्तों कि आप रास्ते में अगर फंस गए हो तो आप इसकी सहायता से अपना रास्ता क्लियर करवा सकते हो। यहीं से इसके अंदर लाइट का सिस्टम दिया गया है जो ऊपर छत पे लगी हुई है और ऊपर स्पीकर लगा हुआ है दोस्तों, हम दिखा देता हूँ आपको यहाँ से कंट्रोल्स है, ये देख सकते हैं दोस्तों आप इसका स्पीकर्स। और यहाँ पे इसके लाइट दिए गए हैं जो दोस्तों जिसका कंट्रोल्स नीचे दिए गए हैं दोस्तों, मैं दिखा था आपको दोस्तों। फ्रंट में हो गया, आप पीछे से हम इसकी शुरुआत करते हैं, यहाँ से इसे ओपन करते हैं दोस्तों। ट्रिम्स आप देख सकते हैं वो की हुई है, पीछे आप देख सकते हैं कि सब जगह इसमें पर्दे लगाए गए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कंपनी की तरफ से ही कहीं से हटाएंगे ये, आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार व्यू आता है पीछे पे देखने पर। यहाँ पे LED लाइट दी गई है दोस्तों और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर LED लाइट रूफ लाइट LED दी गई है दोस्तों। चलो दोस्तों मैं अंदर चढ़ता हूँ, दिखाता हूँ आपको इसका और भी क्या है इंटीरियर अंदर का। ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सीट दी गई है जिसमें मैं यहाँ पे बैठ चुका हूँ, और एक सीट इधर मिल जाती है और एक सीट पीछे मिल जाती है दोस्तों। सामने यहाँ देख सकते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर दिया गया है जो कुछ इस प्रकार का आता है स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं। आगे वाली जो सीटें देख सकते हैं उसके अंदर पीछे हैंडल पकड़ दिया गया है पकड़ने के लिए पीछे बैठने वालों के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बोटल होल्डर दिया गया है, उधर दो हैंडल दिए पकड़ने के लिए और दो ही बोटल होल्डर मिल जाते हैं दोस्तों। ऊपर देख सकते हैं हेडरेस्ट दिए गए हैं दोनों सीटों के ऊपर, देख सकते हैं कि इसके अंदर हैंडल्स दिए गए हैं पकड़ने के लिए मजबूत। अब इसका रियर लुक देखते हैं दोस्तों अंदर से अपन, ये कवर ओपन आप देख सकते हैं, डोर ट्रिम्स पूरी वाइट है। यहाँ से हम इसको पर्दों को ओपन करेंगे अंदर जाने के लिए दोस्तों, ये अपन ओपन कर दिए। पीछे भी हैंडल आप देख सकते हैं, कंपनी ने इसके अंदर सेफ्टी बहुत अच्छे तरीके से दी गई, जगह जगह से में हैंडल लगाए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो दो ब्लैक ब्लैक से दे रखे हैं ये स्ट्रक्चर को अंदर से नीचे उतारने के लिए दे रखे हैं दोस्तों। अब मैं इसका यहाँ से लॉक हटाऊंगा और इसको ऊपर से नीचे लेके आऊँगा दोस्तों, आप देख सकते हैं उसका यहाँ से लॉक हटा के इसे सीधा नीचे करना पड़ेगा दोस्तों। अब इसको भी करते हैं हम, इसको भी हमने कर दिया है, अब हम इसको खोलते हैं लॉक को, इसको लॉक खोल कर हम इसे नीचे लेके आ सकते हैं दोस्तों। यहाँ से इसको लॉक को खोला और जिससे जस्ट हल्का सा नीचे ले लिया है दोस्तों की थोड़ी और लंबाई बढ़ चुकी है इसकी, ताकि स्ट्रक्चर उतरने में कोई दिक्कत नहीं आओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का आता है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके स्ट्रक्चर पर कुछ लिखा गया है दोस्तों, और साइड में आप देख सकते हैं इसका हरे कलर का और रेड कलर का, ये इसके कंट्रोल से इसको दबा के हम स्ट्रक्चर को नीचे उतार सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने झेक दिया गया है जो कि यहाँ पे दिया गया है, ये देख सकते हैं इसका लॉक के अंदर से फिट किया गया है, इसका लॉक है और यहाँ पे इसकी झेक रोड मिल जाती है दोस्तों। पीछे भी आप देख सकते हैं हर सीट पे जो पीछे सीटें दे रखे सब पे सीट बेल्ट दिए गए हैं दोस्तों, एक इस पर एक इस पर यह रहा और एक इसका सीट बेल्ट ये इधर रहा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक डब्बा दिया गया है जो बिल्कुल खाली है, एम्बुलेंस की कोई भी चीज़ में रख सकते हैं दोस्तों आप। पीछे के फर्श की आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार फर्श आता है इसका पूरा सेट, आगे तक इसके अंदर फर्श लगाई गई है मैटिंग बिछा रखी है दोस्तों, देख सकते हैं काफ़ी हैवी है, मजबूत दिया गया है दोस्तों सेट, आगे तक आप देख सकते हैं पूरा आगे तक आप देख सकते हैं वहाँ तक दिया गया है दोस्तों। फैंस आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आगे दिखाया था मैंने आपको। हाँ तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी फोर्स मोटर्स की न्यू ट्रैक्स क्रूजर एम्बुलेंस BS6 2022 लेटेस्ट, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, मैंने कहा था दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, आप ही के छोटा भाई का चैनल है यार।